Hello everyone, my name is Meet and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube channel. आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेट्रो की आई हुई बिल्कुल नई जॉब वैकेंसीज के बारे में. आपको किस तरीके से अप्लाई करना होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है जो यहाँ पे मांगी गई है, सारी चीजों को डिटेल में कवर करने वाले हैं. और मेट्रो की ये जो वैकेंसीज आउट की गई है यहाँ पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल दोनों ही. आपको अप्लाई कैसे करना है, पोस्ट कौन सी आउट यहाँ पर हुई है, पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, हम सारी चीजों को एक एक करके कवर करेंगे. ठीक है, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है ना उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं. आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे विजिट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो इसके अलावा वैकेंसी आई है और वहां पर उसको आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं. चलिए ज्यादा टाइम भी नहीं है, हम सीधा बात करेंगे लेटेस्ट आई हुई नई जॉब वैकेंसीज के बारे में जो कि डायरेक्टली आपके निकल कर आ चुकी है मेट्रो की तरफ से, जहां पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल दोनों ही. आपको किस तरीके से अप्लाई करना रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सारी चीजों को एक एक करके कवर करेंगे. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. देखिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें. ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना. फिलहाल हम बात करें यहाँ पे लेटेस्ट नई वैकेंसीज के बारे में जो कि आपकी डायरेक्टली निकल कर आ चुकी है मेट्रो की तरफ से, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, एक एक करके सारी चीजों को कवर करने वाले हैं. वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा. तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमारी ऑफिशियल साइट को आप गूगल पे टाइप कर सकते हो, जहां पे आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाती है, जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है आप उसको चेक करके अप्लाई कर सकते हैं. फिलहाल हम बात करें मेट्रो की नई जॉब वैकेंसी के बारे में. मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, काफी टाइप की वैकेंसी यहाँ पे आउट हुई है, हर एक क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसी है यहाँ पे आउट हुई है. ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन देखिए मेट्रो रेल की तरफ से रिलीज हो चुका है, यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और अप्लाई करना भी यहाँ पे शुरू हो चुका है. इन वैकेंसीज में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी अदर प्रोसीजर या फिर अदर मोड यहाँ अप्लाई करने का नहीं है. डायरेक्टली आपके यहाँ पे हायरिंग जो हो रही है वो आपकी हो रही है मेट्रो में. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने आपको रजिस्टर करना है, इनके ऑफिशियल साइट पे सीधा यूजर नेम पासवर्ड लिख के लॉग इन करके सीधा आपको अप्लाई करना है, जो आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी. ठीक है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया है, यहाँ पे आप ऑल इंडिया से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें अप्लाई कैसे करना है, वही ऑनलाइन अप्लाई करना है जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे क्लियर किया है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम दो नोटिफिकेशन कवर कर रहे हैं, एक रेलवे मेट्रो ने रिलीज कर दिया है और एक है इंडियन रेलवे का बिल्कुल नया नोटिफिकेशन, वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बात करें, काफी टाइप की है. सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आउट हुई है जहाँ पे 50,000 से 1,60,000 आपकी सैलरी है. उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की है, सेम सैलरी है. नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करें जूनियर इंजीनियर की है, जिसमें आपकी 33,000 से 67,300. यहाँ भी मैं आपको वो पोस्ट भी बताऊंगी जहाँ पे हर कोई आप में से अप्लाई कर पाएगा. अकाउंट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपकी 25,000 से 51,000 सैलरी है. ऑफिस असिस्टेंट एचआर के लिए 25,000 से 51,000 आपकी यहाँ पे सैलरी है. ठीक है, तो हर कोई आप में से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई यहाँ पे शुरू हो चुका है. ये जो ऑफिस असिस्टेंट वाली वैकेंसी है या इसके अलावा भी दो से चार टाइप की और वैकेंसी है, उसमें आप में से हर कोई यहाँ पर एलिजिबल है और वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं. आपकी एज कम से कम 18 है, आप अप्लाई करें, मैक्सिमम 28 प्लस आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिल सकता है एज पर नॉर्म्स अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग. ठीक है, वो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं. इस वीडियो को भी आप चेक कर लेना, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप भी दी गई है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में ना आपको रेलवे मेट्रो का नोटिफिकेशन पीडीएफ मिल जाएगा. ठीक है,
सेकंड आपको जो लिंक मिलता है ये आपको सीधा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलता है, यहाँ क्लिक करके अप्लाई करना है आपको। मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जो इस मंथ की लेटेस्ट आई है, ये दोनों लिंक लास्ट वाले जो दो है यहाँ पर क्लिक करके आप उन वैकेंसी को चेक करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब रेलवे मेट्रो की जो वैकेंसी है इसमें एप्लीकेशन फी की बात करें, क्योंकि ये परमानेंट आपकी जॉब है, तो यहाँ पे अनडिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 एप्लीकेशन फी आप अप्लाई करें, एससी एसटी अदर्स के लिए 826 आपकी एप्लीकेशन की फी है, उसी के अकॉर्डिंग आप इन वैकेंसीज में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन करना है, जो आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हम दो नोटिफिकेशन कवर कर रहे हैं, दूसरा है जो इंडियन रेलवे का है, बिल्कुल नया नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लोकेशन आपके यहाँ पे अक्रॉस इंडिया है, अप्लाई मोड ऑनलाइन है। ये जो रेलवे का नोटिफिकेशन है यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट इन्वाइटेड है, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, ठीक है। इसमें वैकेंसी के बारे में बात करें, सबसे पहले कांस्टेबल की है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, इसमें भी हर एक क्वालिफिकेशन वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने 10th पास की है, 12th की है, ग्रेजुएट की है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट जॉब है। फी यहाँ पे देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करें 500 आपकी एप्लीकेशन की फी है, ठीक है। ऑनलाइन पे करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें 250 एप्लीकेशन की फी है, चाहे फीमेल किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, चाहे चाहे आप अनरिजर्व है, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे आपको 250 ही एप्लीकेशन की फी देनी है। नेक्स्ट अगर बात करें एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी ईएसएम या अदर रिजर्व कैटेगरी की, उनके लिए एप्लीकेशन की फी यहाँ पे 250 है। आप किसी भी कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी है, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी है, चाहे फीमेल है, चाहे मेल है, कोई भी कैटेगरी है, डजेंट मैटर, आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए और आपको फी यहाँ पे जो है वो रिफंडेबल रहेगी। मतलब क्या कि जब आप अपना सीबीटी एग्जाम दे देंगे उसके बाद बैंक चार्जेस कटने के बाद आपको आपकी जो फी है वो वापस हो जाती है, ठीक है। जो भी बैंक चार्जेस होंगे वो कट जाएंगे, उसके बाद जो फी आपकी बनती है वो आपके सीधा बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप बात करें सिलेक्शन की, यहाँ पे पहले आपका सीबीटी टेस्ट हो रहा है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए सीबीटी एग्जाम पे, ठीक है। आपने अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेनी है कि पहले हमने सीबीटी को क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका फिजिकल टेस्ट पे, ठीक है। कई कैंडिडेट होते हैं कि अपना रिटन क्लियर कर लेते हैं लेकिन फिजिकल में रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फोकस नहीं किया होता। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको अपने खाने में अवॉइड करनी पड़ती है उस टाइम, ठीक है, वो चीजों का आपको ध्यान रखना है। उससे रिलेटेड भी आपको अलग से वीडियो चाहिए होगी, वो भी मुझे आप बता देना, ताकि आपको फिजिकल में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ फिजिकल अपना क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसके बाद आपका फाइनल यहाँ पे होता है मेडिकल, उसी के बेसिस पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यहाँ पे सीधा लिखा है अर्थमेटिक स्किल्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स के, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है ना इसको आपने सामने रख लेना है जब आप अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आपको दिमाग आगे बिठाना है कि अर्थमेटिक का है, उसके भी आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, वो सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के फोकस करना है, जनरल अवेयरनेस पे आपको फोकस करना, ठीक है। ये आपके टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। सैलरी यहाँ पे देखिए 15,600 से 39,100 तक आपकी यहाँ पे सैलरी है। और जॉब टाइप की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपकी परमानेंटली जॉब रहने वाली है, जो मैंने आपको पहले भी यहाँ क्लियर किया है। आप हर एक क्वालिफिकेशन वाइज अप्लाई कर सकते हैं, 10th से 12th से, ग्रेजुएट, एनी वन कैन अप्लाई, ठीक है। एज की बात करें, अगर आप कॉन्स्टेबल के लिए अप्लाई करिए 18 to 25 आपकी एज, आप अप्लाई कीजिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करिए तो मिनिमम 18, maximum 28, प्लस आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। ओबीसी को 3 साल का मिल रहा है, एससी एसटी को 5 साल का, अदर रिजर्व कैटेगरी को एज पर नॉर्म्स यहाँ रिलैक्सेशन मिल रहा है।
ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे वीडियो में क्लियर कर दिया है, आप में से हर कोई अप्लाई यहाँ कर सकता है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप और भी डिटेल में मैंने समझाया क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा अप्लाई प्रोसीजर की, यहाँ पे ये वीडियो को जरूर से आप चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ना आपको डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक दिया है वो आपको दिया है मेट्रो का, सेकंड दिया रेलवे आरपीएफ का, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा जो वैकेंसी है आप उसको चेक कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट को गूगल पे टाइप करके clori.com, आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाएगी। जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है आप उसको चेक करके वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेरी है किसी भी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम आपको हेल्प दे पाए, प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो आपको कमेंट जरूर करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।